देखो इपोमर्स क्या होते हैं, कुछ शुगर्स कुछ मोनोसेकेराइड्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स मनी मोनोसेकेराइड्स, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स, मनी मनी मोनोसेकेराइड्स, ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, आर क्लोजली रिलेटेड। वो क्या होते हैं? एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते, ठीक। वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनमें खाली एक डिफरेंस होती है। हाँ, उस वाली डिफरेंस को हम बोलते हैं, वो जो डिफर करते हैं एक दूसरे से, तो वो कहां पर करते हैं? हाँ, एट अ सिंगल कार्बन एटम। लेकिन मनी मोनोसेकेराइड जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं लेकिन डिफर होते हैं, बट डिफर्स, लेकिन डिफर होते हैं, बट डिफर्स फ्रॉम वन अनदर, बट डिफर्स हाँ एट अ सिंगल कार्बन एटम, एक सिंगल कार्बन एटम पर वो डिफर हो जाते हैं, सिंगल कार्बन एटम पर, कार्बन एटम। तो इन वाले मोनोसेकेराइड्स को मैं क्या बोलूंगा? उनको मैं बोलूंगा कि वो इपिमर्स एक दूसरे के क्या हो गए, बन गए इपिमर्स, ठीक है। तो वो इपिमर्स क्या होते हैं? जो भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स ऐसे हैं कि जो बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो डिफर करेंगे हाँ बाय जो ये स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, हाँ डिफर्स, वो डिफर हो जाते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री अब छोड़ो, हाँ वो डिफर हो जाते हैं एट ए सिंगल कार्बन एटम पर। मनी मोनोसेकेराइड जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं वो डिफर हो जाएंगे खाली एक ही कार्बन एटम पर। तो उन वाले मोनोसेकेराइड्स को मैं क्या बोलूंगा? उनको मैं बोलूंगा वो इपिमर्स हैं एक दूसरे के। तो इपिमर्स वो हो गए जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं लेकिन डिफर हो जाएंगे एट ए सिंगल कार्बन एटम, दोज आर नोन एज इपिमर्स। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं यहां दूंगा ग्लूकोज की, एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज और मानोस, यहां पर मैं लिखूंगा मानोस। देखो ये एक दूसरे के ग्लूकोज और मानोस क्या है, ये एक दूसरे के इपिमर्स। देखो कैसे मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख डालूंगा, इसमें सी एच ओ ग्रुप होता है, सी एच ओ, तो इसमें भी सी एच ओ ग्रुप होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? एच सी ओ एच, फिर होता है यहां पर ओ एच, फिर होता है सी एच, उसके बाद हो गया एच सी ओ एच, उसके बाद हो गया एच सी ओ एच, फिर यहां पर होता है सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच। अब देखो यहां पर मानुस में, मानुस में क्या होता है? ओ एच एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच एच सी ओ एच एच सी ओ एच सी एच टू ओ एच। अब देखो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप, ग्लूकोज और मानोस, तो पहले नंबर पर यहां पर है सी एच ओ, यहां पर भी है सी एच ओ, दूसरे नंबर पर कार्बन के राइट साइड ओ एच है और लेफ्ट साइड एच है। तो दूसरे नंबर पर कार्बन के लेफ्ट साइड ओ एच है, राइट साइड एच। तो देखो यहां पर डिफरेंस आ रही है, ठीक है। अब देखेंगे हम, तो यहां पर हमने कार्बन नंबर टू पर डिफरेंस को देखा है, तीसरे कार्बन पर चलाओ, यहां पर लेफ्ट साइड ओ एच है, यहां पर भी लेफ्ट साइड ओ एच है, यहां पर राइट साइड एच है, यहां पर भी राइट साइड एच है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
फिर देखो HCOH 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 HCOH, तो यहाँ पर भी चार और पांच पर भी कोई डिफरेंस है? छह पर CH2O है, CH2O है, तो खाली एक डिफरेंस एट ए सिंगल कार्बन डिफरेंस यहाँ इन दोनों में हो रही है, ग्लूकोज और मानोस में, इनमें सिंगल कार्बन पर डिफरेंस हो रही है। OH ग्रुप एक तो राइट साइड में है इसमें ग्लूकोज में, लेकिन मानोस में लेफ्ट साइड है ग्लूकोज, ये OH। तो दैट मीन्स सिंगल कार्बन आटम पर जो है वो डिफरेंस होना, सिंगल कार्बन आटम पर ये डिफरेंस क्रिएट हो जाना। तो इन दोनों फॉर्मूस को मैं क्या कहूंगा, ये एक दूसरे के इपिमर्स हैं। तो ग्लूकोज ग्लूकोज एंड मानोस, मैं लिखूंगा ग्लूकोज एंड मानोस, ये क्या है, आर इपिमर्स, ये खुद के, ये दोनों के, ये एक दूसरे के क्या है, इपिमर्स है। तो इपिमर्स वो हो गए जो क्या होते हैं, जो सिंगल कार्बन पर, जो सिंगल एनोमेरिक कार्बन पर क्या होंगे, डिफर हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको हम इपिमर्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहां दूंगा, यहां पर मैं लगाता हूं कौन, ग्लैक्टोस, ग्लैक टोस, ये भी एक सिक्स कार्बन वाला कंपाउंड है, C6H12O6, C6H12O6 एंड दिस इज अनदर C6H12O6। अब देखो ग्लैक्टोस में क्या हो जाएगा, CHO पहले ही नंबर पर है, ये तो क्लियर है। अब क्या है, HCOH यहां पर भी क्लियर है, ये भी ठीक है, HCOH ठीक, फिर है OH CH, फिर है HCOH, फिर है CH2OH, तो देखो यहां पर अब मानस को तो छोड़ो अभी, अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देखो, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर वन CHO CHO, HCOH दो पर, HCOH दो पर ठीक है, अभी तीसरे पर OH C, यहाँ पर है H, सॉरी गलती से हो गई, हाँ OH CH, OH CH तीसरे नंबर पर, ये भी करेक्ट है। अब चौथे नंबर पर यहाँ क्या आ रहा है, OH लेफ्ट साइड, लेकिन चौथे नंबर पर, ये दूसरा, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, तो यहाँ चौथा नंबर, दूसरा तीसरा और चौथा कार्बन, तो चौथे कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ पर है, ऑन द लेफ्ट साइड ग्लैक्टोज में, लेकिन ग्लूकोज में चौथे कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ से है, राइट वाली साइड में। तो पांच कार्बन पर ये तो क्लियर है, ये भी है, यही तो दोनों में सिमिलर है, CH2OH दोनों में सिमिलर है, तो खाली कार्बन नंबर फोर पर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज डिफर हो रहे हैं, खाली कार्बन नंबर फोर पर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या हो रहे हैं, ये डिफर हो रहे हैं OH ग्रुप, ऑन द बेस ऑफ OH ग्रुप, एक तो राइट साइड में है ग्लूकोज के, तो लेकिन ग्लैक्टोज के चौथे कार्बन पर OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड है, तो इन दोनों को भी मैं बोलूंगा ये भी एक सिंगल कार्बन पर क्या है, डिफर हो रहे हैं, तो इनको मैं भी बोलूंगा ये इपेमर्स हो गए एक दूसरे के, इपेमर्स। तो मैं लिखूंगा ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर इपिमर्स, ये इपिमर्स हो गए, ठीक है, इसी तरह ग्लूकोज एंड मानोस आर इपिमर्स, तो ये दोनों, ये एग्जाम्पल्स आ गई किनकी, इपिमर्स की, तो ये वाला कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा। अब अगले पार्ट में हम कुछ और पढ़ेंगे।